हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। लास्ट टाइम अपने भाई ने कमेंट किया था वीडियो में, सलाम भाई वालेकुम सलाम, कि यार इसके बारे में काइंडली हमें डिटेल में थोड़ा सा बताएं। और हमारी वो वीडियो थी फेसबुक एड्स के ऊपर। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि फेसबुक एड्स किस तरीके से रन करते हैं, और इतना डिटेल में हम लोग नहीं जंप किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग हर चीज को बारीकी से देखने वाले हैं और हर चीज का पोस्टमार्टम करेंगे डिटेल में। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो फेसबुक एड्स मैनेजर है ना, उसको ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, इधर ये ग्रीन कलर का क्रिएट का बटन शो रहना, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और आपके सामने ये वाली विंडो खुल के आ जाएगी। अब इधर देखो काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। आपसे वो पूछा कि चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आप अपनी कैंपेन क्यों चला रहे हो, हमें उसकी वजह बताओ, किस चीज की चलानी है आपने। तो इधर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। पहले नंबर पे आ जाता है इधर अवेयरनेस। आप कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाह रहे हो, उसके लिए इसको चूज करेंगे। आपको अगर ट्रैफिक चाहिए आपके यूट्यूब चैनल पे या आपकी वेबसाइट पे, तो ट्रैफिक चूज कर लो। अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए, मतलब कि आपका कोई टिकटॉक अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, या कोई भी आपका अकाउंट हो, आपको उस पर एंगेजमेंट चाहिए, लाइक्स फॉलोअर्स वगैरह चाहिए, तो आप एंगेजमेंट को ले सकते हो। लीड्स हैं, उसके बाद आपको ऐप प्रमोशन, आप एप्स की प्रमोशन करना चाह रहे हो अपनी, कोई एप्लीकेशन आपकी, तो उसके लिए आपको इसको चूज कर सकते हो। हमारा जो मेन मोटिव है ना, हमने सेल्स जनरेट करनी है, हमने अपनी शॉपिफाई स्टोर पे सेल्स लेके आनी है, ऑर्डर्स जनरेट करने हैं, तो इसके लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे सेल्स वाला। सो मेक श्योर करना है आप लोगों को ये चीज क्लियर हो कि आप लोगों ने कौन सा ऑब्जेक्टिव कैंपेन सिलेक्ट कर रहे हो। हम लोग सेल्स पे चलेंगे, उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इधर हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस आते हैं। पहले नंबर पे एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है, और सेकंड नंबर पे मैनुअल सेल्स कैंपेन है। अब दोनों में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूँ। पहले नंबर पे जो एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन है ना, इसमें क्या होगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली करेगा। अब आप लोग स्क्रीन पर देखो ये क्या लिखा हुआ है नीचे, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड फाइंड न्यू कस्टमर्स, प्रीसेट सेटिंग इंक्लूड ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट करेगा हर चीज, लोअर कॉस्ट बिड स्ट्रेटजी, आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम यूज करेगा। मतलब मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो स्टार्टिंग पे एडवांटेज की तरफ जाओ, ऑटोमेटिक की तरफ जाओ। सीखना चाह रहे हो ना, स्टार्टिंग फेज में हो, तो आप लोग मैनुअल की तरफ जाओ। तो मैं इधर से सिंपल से मैनुअल सेल्स कैंपेन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद सिंपल से इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह के विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब देखो इधर तीन चीजें हैं, पहले नंबर पे न्यू सेल्स कैंपेन है, सेकंड नंबर पे न्यू सेल्स एड सेट है, थर्ड नंबर पे न्यू सेल्स एड्स है। अब तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, डिटेल में चलेंगे। अब पहले नंबर पे जो है ना न्यू सेल्स कैंपेन, इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। पहले नंबर पे कैंपेन का नेम कुछ भी रख लो यार, आप लोगों की मर्जी है, एड वन रख लो, आप लोगों ने कोई भी नाम रख लेना। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब इधर स्पेशल एड कैटेगरी आती है। अब कैटेगरी को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब काफी ज्यादा लोग इधर से आएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कैटेगरी सही रहेगी, कैटेगरी को नहीं छेड़ना आप लोगों ने। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, कैंपेन डिटेल्स आ जाती है। अब इधर देखो पहले नंबर पे जो बाइंग टाइप है ना, इधर ऑप्शन है, मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन करते हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप लोगों ने पहले वाले को ही सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद नीचे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, मेक श्योर करना है सेल्स ही रहे आपकी, क्योंकि अगर आप सेल्स जनरेट कर रहे हो सही है। इसके अलावा आप लोग कुछ भी अगर किसी और पर्पज से कैंपेन चला रहे हो तो आप लोग उसको चूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप शॉपिफाई को लेकर चल रहे हो, आप सेल्स जनरेट करना चाह रहे हो, ऑर्डर्स लेके आना चाह रहे हो, तो मेक श्योर करना है इधर सेल्स ही रहे, जो स्टार्टिंग पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अभी तो तीन तरह के ऑप्शन आते हैं, यूज ए कैटालॉग, सेकेंड नंबर पे ए बी टेस्टिंग है, थर्ड नंबर पे एडवांटेज कैंपेन बजट है। अब तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं क्या क्या इसके बारे में है चीजें। पहले नंबर पे कैटालॉग, कैटालॉग क्या होता है आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, फेसबुक पे या आप लोग चले जाओ व्हाट्सएप पे चलो, कैटालॉग हम लोग क्रिएट करते हैं सही है, उसमें हमारी सारी की सारी शॉप्स होती हैं और सारी प्रोडक्ट्स वगैरह होती है। अगर आप लोगों ने कैटालॉग बना के रखा हुआ है तो आपको इधर वो उसे यूज कर सकते हो कैटालॉग को। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा आप लोग इसको अभी स्किप मारो। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आता है ए बी टेस्टिंग, अब ए बी टेस्टिंग क्या चीज है, ए बी टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल एड्स हैं, दो तीन चार पांच प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको टेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो आप लोग इस ऑप्शन को ऑन करोगे ए बी टेस्टिंग को, और आप उन सारी प्रोडक्ट्स को इसमें टेस्टिंग करोगे, जो भी कैंपेन सही से वर्किंग करेगी, सही से सेल्स ला के देगी, अच्छे से वर्किंग करेगी, आप लोग फिर उसको नेक्स्ट आगे बजट बढ़ा के उसको आगे उसी को चलाना है आप लोगों ने। अब ये है ए बी टेस्टिंग, हम लोग हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहा हूं, तो मैं ए बी टेस्टिंग को ऑन नहीं करूंगा। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट का, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है, इसको मैं ऑन करता हूँ।
अब इधर देखो, ये हमसे वो कैंपेन का बजट पूछा है कि आप लोग कितने पैसे लगाना चाह रहे हो। अब इसको आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आगे चल के भी मैं ऑप्शन आएगा ये वाला, आप लोग उधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि इधर से ही आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, इधर से करना है कर लो, अदरवाइज इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और सिंपल से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं न्यू सेल्स एड सेट में। अब इधर सबसे पहले आप लोगों ने अगेन से अपने एड का नेम रखना है, एड सेट का नेम रखना है। सिंपल से मैं एड वन रख देता हूँ। उसके बाद कन्वर्जन है, कन्वर्जन में आप लोगों ने मेक श्योर करना है वेबसाइट ही सिलेक्टेड हो पहला, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट पे सेल्स जनरेट करने वाले हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इधर परफॉर्मेंस गोल, इधर आप लोग इसे ड्रॉप डाउन करना है और मेक श्योर करना है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ही सिलेक्टेड हो। उसके बाद सिंपल से पिक्सल्स, पिक्सल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में डिटेल से बताया किस तरीके से आप लोगों ने फेसबुक पिक्सल्स क्रिएट करने हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया, नहीं पता, तो इधर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, लाजमी से जाके वॉच कर लेना। उसमें मैंने डिटेल से बताया कि पिक्सल्स क्या होते हैं और कैसे आप लोगों ने क्रिएट करने हैं फेसबुक पिक्सल्स। ऑलरेडी मैंने इधर शिफ्टोविच के नाम से बना के रखे हुए हैं पिक्सल्स, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से मैंने बात की हुई है। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट आ जाता है, इसको मेक श्योर करना है आप लोगों ने कन्वर्जन इवेंट जो है वो परचेजेस पे रखना है, क्योंकि हम लोग परचेज करवाना चाह रहे हैं लोगों को प्रोडक्ट अपनी। अब इधर आप लोग अगर साइड पे देखो तो ऑडियंस की डेफिनेशन भी इधर शो हो रही है, हमारी कितनी ऑडियंस को ये टारगेट करेगा फेसबुक। आप लोग इसकी रीच भी देख सकते हो, कन्वर्जन भी देख सकते हो। हम आगे जैसे जैसे अपना अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करते जाएंगे, टारगेट करते जाएंगे, साइड पे आपको आपकी एस्टिमेटेड ऑडियंस भी ये शो करवाता जाएगा कि कितनी ऑडियंस को हम लोग टारगेट कर देंगे और कितनी ऑडियंस तक आपकी हमारी ये जो एड है वो रीच दिखाएंगे और कितनी ऑडियंस इससे परचेजेस करेगी, कन्वर्जन कितनी आएंगी, सब कुछ आपको साइड पे एस्टिमेट उसका दिखाता जाएगा ये। अब इसके बाद आप लोगों ने नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है। अब इधर ये देखो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन इधर ये ऑप्शनल है, आप लोग इसको करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब ये है कि आपको जो कॉस्ट पड़ेगी एक रिजल्ट पे वो कितनी आप लोग रखना चाह रहे हो, आप लोग अपनी मर्जी से रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ इधर मेरा 0.1 PKR लगे एक सेल जनरेट करने में, तो वो इतना ही यूज करेगा। अब इधर आप लोग नीचे चेक भी कर सकते हो, उन्होंने वाजे तौर पर लिखा हुआ है मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट परचेजेस एंड ट्राई टू कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड 0.1, सम रिजल्ट्स मे कॉस्ट मोर एंड सम मे कॉस्ट लेस। मतलब वो कह रहे हैं इससे थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है, इससे थोड़ा कम भी लग सकता है, हम अप्रोक्सीमेट ये नहीं कह सकते कि आपको इतना ही पैसा लगेगा। और ये चीज मैं आपको अभी चाहूंगा कि आप लोग इसको अभी रहने दो, ये ऑप्शनल है, इसको आप लोग सिलेक्ट ना करो। उसके बाद नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करते आना है, बजट स्केड्यूल आ जाता है, इधर से आप लोगों ने अपना बजट सिलेक्ट करना है कितना पैसा लगाना चाह रहे हो आप लोग। अब इधर हमारे पास, इधर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, डेली बजट आ रहा है और लाइफ टाइम बजट आ रहा है। अब काफी ज्यादा लोग इधर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सिलेक्ट करें। अब लाइफ टाइम बजट में ये होगा कि आप जो अपना बजट सिलेक्ट करोगे ना वो लाइफ टाइम के लिए चलेगा। अब इससे ये होगा कि आपके कार्ड में जितनी भी पेमेंट वगैरह होगी वो कटती जाएगी कटती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने लाइफ टाइम बजट नहीं सिलेक्ट कर लेना, ये ना हो कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। आप लोगों ने जैसे डेली बजट सिलेक्ट करना है कि मैं डेली का इतना पैसा दूंगा और मेरी एड चलानी है। आप लोगों ने सिंपल से डेली बजट आप लोगों ने इधर से सिलेक्ट कर लेना है कितना लगाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 रुपया लगा रहा हूँ कि मेरा डेली 1000 रुपया स्पेंड हो और उससे मुझे सेल्स लागे दो। मैंने 1000 बजट सेलेक्ट किया है और साइड पे उसने मुझे रीच दिखा दिया कि हम 2000 बंदे से लेकर 6000 बंदे तक रीच दिखाएंगे आपकी ऐड की। कहते हैं कि 10 कन्वर्जन तो एटलीस्ट आपको आएंगी आएंगे, 10 ऑर्डर्स तो कम से कम आएंगे ही आएंगे और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आपके एड क्रिएटिव पे ये चीज डिपेंड करती है। उसके बाद ये देखो ये डेट है, स्टार्ट डेट एंड डेट, आप लोग इसको सेट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रहने दो, कोई इशू नहीं है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वह ऑडियंस कंट्रोल। आप लोग अपनी ऑडियंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से करनी है ये देखते हैं। इधर आप लोगों को एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, एडिट पे क्लिक करो। अब इधर सबसे पहले आती है लोकेशन, आप लोग किस कंट्री में किस जगह पे अपनी एड चलाना चाह रहे हो। मैं पाकिस्तान में चलाना चाह रहा हूं तो आप लोगों ने इधर से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप किसी स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर रहे हो पाकिस्तान में तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इधर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, इधर मैं सर्च लोकेशन पे क्लिक करता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ फैसलाबाद। ठीक है, मैंने फैसलाबाद किया है, ये फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो इसने ये चेक करो वो फैसलाबाद का जो एरिया है ना 40 किलोमीटर के अंदर अंदर का, उसने इसको टारगेट कर दिया। अब आप लोग इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, उसने 40 किलोमीटर का एरिया दिखाया है
मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ और इसको मैं सर्कल को बढ़ा सकता हूँ, मतलब कि 55 किलोमीटर मैंने अप कर दिया है, देख रहे हो। तो ये चीज आप लोग स्पेसिफिकली टारगेट भी कर सकते हो। कुछ आपके प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि आप अपने एरिया में चलाना चाह रहे हो, तो आप लोग उसे भी टारगेट कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप लोग पाकिस्तान को ओवरऑल सिलेक्ट करो ताकि आपकी स्टार्टिंग पे सेल्स ज्यादा से ज्यादा आए। अब मैं फैसलाबाद को इधर से क्रॉस करने वाला हूँ और सिंपल से इधर से हम लोग ऑडियंस में आकर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये तो हमने टारगेट कर लिया पाकिस्तान को। अब इधर आप लोग ये भी टारगेट कर सकते हो कि मैं किस जगह पे अपनी एड नहीं दिखाना चाह रहा, ये चीज भी इसमें है, मैं आपको बताता हूँ। इधर ये चेक करो, इंक्लूड लिखा है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, एक्सक्लूड आ जाएगा, एक्सक्लूड पे क्लिक करो, ये रेड वाला आइकन आ गया। अब इधर आप लोग लोकेशन सेलेक्ट करो जिधर आप अपनी एड नहीं दिखाना चाह रहे पाकिस्तान में। तो मैं इधर लिख देता हूं जम्मू कश्मीर, ये देखो जम्मू आजाद कश्मीर पाकिस्तान, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये इस जगह पे मेरी एड बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। सो इस तरीके से आप लोग स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो कि आप लोगों ने अपनी एड को कहां दिखाना है और कहां नहीं दिखाना है। ये चीज आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। सो गाइस इसके बाद आप लोगों को नीचे इधर शो मोर ऑप्शंस का एक लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको आपकी कस्टम ऑडियंस शो हो जाएगी, आप लोग उसकी एज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इधर ये चेक करो कि मिनिमम एज आप लोग कितनी रखना चाह रहे हो, तो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ 18+ मेरी ऑडियंस होनी चाहिए, तो मैं कम अज कम 18 साल के बंदों को अपनी जो एड है वो शो करवाना चाह रहा हूँ, तो इधर से मैं 18 ही रखूंगा। उसके बाद इधर आ जाती है लैंग्वेजेस, आप लोग इसको ऑल पे ही रखो, सारी लैंग्वेजेस शो करवाना चाह रहे हो आप लोग इसको चेंज ना करो। उसके बाद नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है और इधर आप लोगों को प्लेसमेंट शो हो जाएगी। अब प्लेसमेंट्स में इधर दो ऑप्शंस है, पहले नंबर पे एडवांटेज है और सेकेंड नंबर पे मैनुअल है। अब ये सेम चीज वही है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एडवांटेज में ऑटोमेटिकली टारगेटिंग होगी और आप लोग मैनुअल प्लेसमेंट में खुद आप लोग टारगेट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको मैनुअल पे सिलेक्ट करता हूं तो ये नीचे चेक करो सारी की सारी कस्टमाइजेशन आ जाती है। पहले नंबर पे हमारे पास आ रही है डिवाइसेस, आप लोग डिवाइसेस देख सकते हो किस डिवाइस पे आप लोग अपनी एड दिखाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर एडिट पे क्लिक करता हूं और इसको ड्रॉप डाउन करता हूं और मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों शो हो रही है। अगर आप सिर्फ मोबाइल पे दिखाना चाह रहे हो तो आप लोग मोबाइल को सिलेक्ट करो, अगर सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाना चाह रहे हो तो डेस्कटॉप रहने दो, अदरवाइज दोनों को ही सिलेक्टेड रखो। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा आप लोग मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों सिलेक्टेड रखो। एंड देन उसके बाद आ जाते हैं प्लेटफॉर्म्स, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से चूज करने हैं। पहले नंबर पे फेसबुक, फेसबुक पे मैं अपनी एड चलाना चाह रहा हूँ। सेकंड नंबर पे इंस्टाग्राम, उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, इन दोनों का मैं हटा दूंगा क्योंकि इधर मैं अपनी एड बिल्कुल भी नहीं चलाना चाह रहा, मैं जस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम को टारगेट करने वाला हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है आप लोगों ने सिंपल से, इधर ये चेक करो प्लेसमेंट शो हो रही है कि किधर किधर आप लोग फेसबुक में किधर आप लोग दिखाना चाह रहे हो अपनी एड, फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में, फेसबुक मार्केट प्लेस में, फेसबुक वीडियो फीड में, फेसबुक राइट कॉलम में। तो ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन है, आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है कि मैं अपनी एड जो है वो किधर किधर दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप लोग अपनी फेसबुक फीड में दिखा सकते हो अपनी एड को, फेसबुक के जो स्टेटस होते हैं उधर भी दिखा सकते हो, उसके बाद इंस्टाग्राम के जो शॉर्ट्स वगैरह आजकल बहुत चल रही हैं, रील्स वगैरह बहुत चल रही हैं, तो आप लोग मेक श्योर करो उधर आपकी एड लाजमी चले क्योंकि आप शॉर्ट्स वगैरह रील्स वगैरह लोग बहुत देखते हैं, तो इंस्टाग्राम रील्स में आप लोग अपनी एड क्रिएटिव चला सकते हो। उसके बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल करो, ये इंस्टाग्राम रील्स हैं तो इधर आप लोगों ने लाजमी अपनी एड चलानी है क्योंकि इनकी रीच काफी ज्यादा होती है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करते आना है, इधर शो मोर ऑप्शंस शो हो रहे हैं, इधर आप लोग अगर सेलेक्ट करो तो इधर काफी ज्यादा ऑप्शंस आपको और भी मिल जाते हैं, तो हमारे इनमें से कोई काम की चीज नहीं है, इधर से हम लोगों ने कोई चीज नहीं छेड़नी। उसके बाद सिंपल से आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप आ गया है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में सबसे पहले हम लोग एड नेम रखेंगे, सिंपल से एड वन कर देता हूं मैं इसे। उसके बाद आ जाते हैं पार्टनरशिप एड, इसको हम लोग ऑफ रखेंगे। उसके बाद आ जाती है फेसबुक पेज की बारी, ऑलरेडी आप लोगों ने फेसबुक पेज अगर नहीं बनाया तो फेसबुक पेज बना लो क्योंकि पिक्सल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई हुई है कि किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है फेसबुक एड्स रन करने के लिए। तो इधर से मैंने अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाता है, आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक लाजमी कर लेना है क्योंकि हम लोग अपनी इंस्टा पे भी एड चलाएंगे, इंस्टा की स्टोरीज रील्स और स्टेटसेस वगैरह में फीड्स में हम लोग अपनी एड शो करवाने वाले हैं, तो मेक श्योर करना है आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम इधर से लिंक कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आप लोगों ने एड सेटअप आ जाता है। अब एड सेटअप को आप लोगों ने करना है क्रिएट एड पे ही रहने देना है फर्स्ट वाले को। उसके बाद मैनुअल अपलोड पे सिलेक्ट करना है पहले वाला जो ऑप्शन है। उसके बाद आप लोगों को फॉर्मेट्स आ जाते हैं। अब देखो
ये काफी ज्यादा चीज है जो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये कैसे वर्किंग करती हैं। पहले नंबर पे आ जाता है सिंगल इमेज और वीडियो। अगर आपके पास एक सिंगल वीडियो है, आप उसकी ऐड चलाना चाह रहे हो, या आपके पास इमेजेस हैं उनकी ऐड चलाना चाह रहे हो, तो आप लोग पहले ऑप्शन के साथ जाओगे। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो है कैरोसोल ऐड। कैरोसोल ऐड आप लोगों ने देखा होगा, स्लाइडर से आते हैं, एक इमेज आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे मूव होते रहते हैं, स्लाइड्स मूव होती रहती हैं, उसको कहते हैं कैरोसोल एड्स। तो ये भी आप लोग चला सकते हो। उसके बाद आ जाती हैं कलेक्शंस। आप लोग जैसा कि स्टार्टिंग पे मैंने बताया था, ग्रुप्स के फॉर्म में होती हैं कलेक्शंस, तो आप लोग इसकी ऐड भी चला सकते हो। इधर फेसबुक पे आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस के साथ जा सकते हो। एंड देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऐड क्रिएटिव शो हो जाएगा। अब इधर से अगर मैंने पहले वाला ऑप्शन चूज किया होगा ना, सिंगल इमेज और वीडियो वाला, तो इसको हम मैं सिलेक्ट करूंगा तो नीचे इधर से मुझे वो मीडिया सिलेक्ट करने को कहेगा, वो मुझे कहेगा कि अपनी वीडियो को सिलेक्ट करो। आप लोगों ने इधर से अपनी वीडियो को या पिक्चर्स जो भी लगाना चाह रहे हो आप लोग उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद मैं जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड वीडियो पे चलता हूँ। ये वॉच वाली वीडियो ही है मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने फेसबुक ऐड पे बनाई थी, वही पड़ी हुई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल से, जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। अब इसको आप ट्रिम भी कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने ये ऑलरेडी पहले ही करके रखना है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको ये शो करवा देगा कि इस तरीके से ये शो होगी। अभी इधर उसने सारी की सारी प्लेसमेंट शो करवा दी है, आप लोगों को शो हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सारी के सारी एस्पेक्ट रेशियो शो हो जाएंगे। इधर आप लोगों ने इसको इधर से डन करना है, सिंपल से डन करने के बाद इधर साइड पे आपको प्रीव्यू भी शो होता रहेगा। जैसे जैसे हम लोग अपनी एड को क्रिएट करेंगे ना, इसको सारा के सारा कस्टमाइज करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप लोगों ने कस्टमाइज करना है। इधर साइड पे आपको उसका प्रीव्यू भी शो होता रहेगा। अब सिंपल से इधर से आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये चेक करो, फुली ऑप्टिमाइज लिखा हुआ आ रहा है, 2x2 out of 2 कंप्लीट ओके है हमारी जो वीडियो ऐड है। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, आप लोगों ने इधर से प्राइमरी टेक्स्ट क्या रखना है। फॉर एग्जांपल इधर आप लोग कुछ भी आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी डाल सकते हो, जैसे फ्री कैश ऑन डिलीवरी भी डाल सकते हो। इसके अलावा कोई भी चीज, जैसे कि ये वॉच है, इस वॉच से रिलेटेड भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। इधर मैं सिंपल से लिख देता हूँ फ्री कैश ऑन डिलीवरी। तो जैसे मैंने फ्री कैश ऑन डिलीवरी लिखा है तो इधर चेक करो, टॉप पे वो चीज शो हो रही है प्रीव्यू में, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी प्राइमरी टेक्स्ट को मेक श्योर करना है कोई कैची सी लाइन हो, ताकि कोई भी व्यूअर है देखने वाला उससे अट्रैक्ट हो जाए फौरन। उसके बाद आप लोगों ने हेडलाइन लिखनी है। हेडलाइन में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है स्मार्ट वॉच। अब हेडलाइन में आप लोग जो भी चीज ऐड करोगे वो आपके प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे शो होगी इस जगह पे आकर, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से स्टार्स डाल देने हैं, 5 out of 5, ताकि देखने वालों को लगे कि यार इसके रिव्यूज अच्छे हैं, प्रोडक्ट के इंप्रेशन अच्छा डालना है आप लोगों ने, जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन आ जाता है। इधर से आप लोगों ने कॉल टू एक्शन बटन में ऑर्डर नाउ लाजमी सेलेक्ट करना है, ताकि जो भी बंदा इस पे क्लिक करे ऑर्डर नाउ को, ये चेक करो बटन शो हो रहा है, जैसे वो क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपके लैंडिंग पेज पे जाके लैंड हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है सिंपल से। अब इधर वेबसाइट का यूआरएल आता है, इधर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है जिधर आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। अब डायरेक्ट आप लोगों ने उस प्रोडक्ट का लिंक देना है, ना कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के होम पेज का दे देना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो अपनी वेबसाइट के होम पेज का एड्रेस दे देते हैं इधर, ना कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। अगर आप लोग वाकई सेल्स जनरेट करना चाह रहे हो, ताकि आपको कस्टमर को परेशानी ना हो उस प्रोडक्ट को ढूंढने में, तो आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का लिंक लगाओ इधर। अब इधर वेबसाइट यूआरएल आप लोगों ने डाल देना है। उसके बाद डिस्प्ले लिंक, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दो। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी इधर से चेंजिंग्स वगैरह नहीं करनी, और ट्रैकिंग वगैरह ये भी हमारा काम नहीं है। उसके बाद सिंपल से आप लोगों ने पब्लिश पे क्लिक करना है और आपकी जो एड है वो रिव्यू में चली जाएगी। थोड़ी देर में आपकी जो ऐड है वो एक्टिव हो जाएगी, फेसबुक उसको चेक करेगा, अगर उसमें कोई वॉयलेशन वगैरह नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी, तो वो उसको अप्रूव कर देगा और आपकी जो ऐड है वो लाइव हो जाएगी। सो गाइज, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, होप करता हूँ कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आज हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल से बात किया है फेसबुक एड्स को किस तरीके से रन करते हैं, हर चीज को कंप्लीट डिटेल से बारीकी से हम लोगों ने देखा है। किसी भी चीज की समझ ना आई हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाजमी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।